नमः शिवाय। आज जन्मे जातक पुष्य नक्षत्र में पैदा होंगे, जिनके नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हैं। ऐसे जातक शांत हृदय, सबके प्रिय, विद्वान, आस्तिक, धार्मिक, बुद्धिमान, स्पष्टवादी, धन वाहन से युक्त और सम्मानित होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा तो पूर्ण सफल होंगे। दो चीजों को ध्यान में रखना होगा। पहली, आजकल पूरी सृष्टि पर काल सर्प योग चल रहा है, और दूसरी बात कि आज पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण लग रहा है, अर्थात ऐसे जातकों की देखभाल विशेष आवश्यक है। साथ ही साथ ऐसे जातकों के लिए उनके माता पिता को चाहिए कि पितृ दोष की शांति कराएं। आज आपकी राशि से चौथे राहु और चंद्र चल रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव, पारिवारिक सुख सौहार्द में कमी, किसी काम में मन ना लगना, हर काम में रुकावट फील होना संभावित है। सामान गायब होना, चोरी होना संभावित है। व्यावसायिक तनाव और मन में नकारात्मक विचार बने रहेंगे। हनुमान जी की आराधना करें और केले के पौधे में जल डालें। आज के चंद्र ग्रहण का असर आपके ऊपर भी लागू होगा, क्योंकि राहु चंद्रमा आपके सुख भाव में चल रहे हैं। आपको काला तिल, काली उड़द, जौ और पांच मूली का दान करना चाहिए। वृष राशि के लिए आज चंद्रमा और राहु आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में चल रहे हैं। आपका ऊर्जा स्तर अत्यधिक बढ़ा हुआ रहेगा, प्रयास सार्थक होंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, व्यवसाय के उन्नति के योग बने हुए हैं। हर दृष्टिकोण से आज आपका समय लाभदायक रहेगा। ग्रहण का आपके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण का असर आपके लिए अनुकूल है। धन लाभ प्रचुर मात्रा में बना रहेगा। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। आपकी राशि से चंद्रमा और राहु दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य में गड़बड़ी, मानसिक तनाव, बेचैनी, धोखा खाने का अंदेशा बना रहेगा। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। पर्याप्त मात्रा में मेहनत और प्रयास के बावजूद काम का रुक रुक कर होना संभावित है। शत्रु पक्ष से तनाव महसूस होगा। आज के चंद्र ग्रहण का आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव है। हरे कपड़े में काला तिल, काली उड़द, जौ और मूली बांध कर दान करें। आज का चंद्र ग्रहण आपकी राशि पर लगेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से समय कमजोर है। वाहन धीमे चलाएं या सीढ़ी से चढ़ना उतरना भी सावधानी से करें। चोट लगने का अंदेशा बना हुआ है। सामान गायब होने का या चोरी होने का भी अंदेशा बना हुआ है। आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। अपने अंदर नकारात्मक विचारधारा को ना पैदा होने दें। सूझबूझ के साथ सकारात्मक निर्णय लेते हुए काम करें। आज के ग्रहण का आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव लागू होगा। काला तिल, काली उड़द, जौ और मूली का दान करें। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आज राहु और चंद्रमा आपके 12वें घर में चल रहे हैं, जिससे अचानक खर्च की स्थिति, आर्थिक नुकसान, अपव्यय की संभावना बनी हुई है, क्योंकि आपके राशि स्वामी सूर्य आपकी राशि से 6वें चल रहे हैं, शुक्र केतु बुध के साथ। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अपनी कार्य क्षमता को कम ना होने दें। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। कोर्ट कचहरी व वाद विवाद के मामले में अनुकूलता बनी रहेगी। आज के चंद्र ग्रहण का असर आपके ऊपर नकारात्मक रूप से है।
काले कपड़े में काला तिल, काली उड़द, मूली और जौ का दान करें। ओम घृणे सूर्याय नमः का मानसिक जप करते रहें। आज आपकी राशि से राहु व चंद्रमा एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव में राहु का होना अच्छा माना जाता है। आपके लिए सक्रियता बनी रहेगी, आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल रहेगा, प्रयास सार्थक होंगे, लाभदायक स्थिति बनी रहेगी, संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है, सरकारी कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी। आज का चंद्र ग्रहण आपके लिए लाभदायक है। आज राहु और चंद्रमा आपके दसवें घर में चल रहे हैं, जिससे व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी, प्रचुर मात्रा में लाभ की स्थिति बनी हुई है, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, आपके प्रयास सार्थक होंगे, संतान के प्रति आत्मविश्वास बना रहेगा, आध्यात्मिक सहयोग मिलता रहेगा। आज का ग्रहण आपके लिए अनुकूल है। ओम नमः शिवाय का जप करें, अच्छा रहेगा। आज चंद्रमा और राहु आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं। धार्मिक भावना में कमी, काम में रुकावट और सक्रियता में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। कार्य व्यवसाय और आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। दोषारोपण या मिथ्या आरोप लग सकता है। अपनी वाणी में कटुता ना लाएं, धैर्य और सूझबूझ से काम करें। आपका चंद्र ग्रहण आज के लिए अनुकूल नहीं है। किसी मंदिर में तिकोना केसरिया झंडा लगाएं, केले के पौधे में जल डालें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आज आपकी राशि से राहु और चंद्रमा आठवें चलेंगे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, चोट चपेट की संभावना बनती है, अचानक तबीयत खराब हो सकता है, वाहन सावधानी से और धीमे चलाएं। अगर मकान या ऑफिस में सीढ़ी चढ़ने उतरने का काम है तो सावधानी से करें। कार्य व्यवसाय और आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। अच्छे कामों में खर्च की स्थिति बनी हुई है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। काम करने में नकारात्मक विचारधारा को दूर रखें। आज का चंद्र ग्रहण आपके लिए नकारात्मक प्रभाव में है, इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से सावधान रहें। हनुमान जी की आराधना करें और केले के पौधे में जल डालें। आज चंद्रमा और राहु आपके सातवें घर में चल रहे हैं, जो कि आपका पत्नी भाव है। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। मानसिक तनाव और मन में नकारात्मक विचार चलते रहेंगे। आर्थिक रूप से सहयोग की स्थिति बनी हुई है। व्यावसायिक पक्ष अनुकूल रहेगा। परिवार में चिंता व तनाव की स्थिति कायम रहेगी। आज का ग्रहण आपके लिए नकारात्मक प्रभाव में है। काले कपड़े में काला तिल, काली उड़द, जौ और मूली का दान करें, अनुकूलता मिलेगी। आज आपकी राशि से राहु और चंद्रमा छठवें घर में चल रहे हैं। पापी ग्रह का खराब घर में चलना शुभ माना जाता है। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी, खुशी और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। आर्थिक और व्यावसायिक अनुकूलता बनी हुई है। आपके प्रयास सार्थक होंगे। सरकारी विभाग या न्यायालय से संबंधित वाद विवाद के मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। आज का चंद्र ग्रहण आपके लिए शत्रुघ्नता योग लेकर आया है और अनुकूल है। प्रयास करें, लगभग सारे काम पूरे होंगे। आज आपकी राशि से राहु और चंद्रमा पांचवें घर में चल रहे हैं। आपकी सक्रियता, आत्मविश्वास में कमी, संतान के प्रति चिंता का अभाव बना रहना, मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना, हर काम के प्रति उदासीनता वाले भाव आते रहेंगे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हालांकि आपके सकारात्मक प्रयास पर सारे काम अनुकूल हो सकते हैं। अपने मन में सकारात्मक विचारों को पैदा करें
और काम करते जाएं। आज का चंद्र ग्रहण आपके लिए नकारात्मक प्रभाव में है। काले कपड़े में काला तिल, काली उड़द, जौ और मूली का दान करें, अनुकूलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।